podcast present by Spy News Agency. जिस बिजली के द्वारा आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे आपका मोबाइल चार्ज होता है, लैपटॉप चार्ज होता है, वही बिजली सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे बनती है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वक्त तलवंडी साबो थर्मल पावर प्लांट के कंट्रोल रूम में खड़ा हूँ। जितनी भी बिजली बनती है, बननी है और आगे एग्जीक्यूट भी होनी है, वो इसी कमरे में तय होता है। ज़्यादातर जो प्लांट है वो ऑटोमेटेड है, इसीलिए यहाँ पर ये जितने भी इंजीनियर्स और जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ बैठी हैं, ये लोग यहाँ पर बैठकर उस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, यहीं से डायरेक्शंस दे रहे हैं और उसी हिसाब से वो बिजली बन रही है। स्टेट तक जा रही है, स्टेट से आगे भी जा रही है। कैसे जाती है, कैसे बिजली बनती है? पंजाब गवर्नमेंट को पावर की रिक्वायरमेंट थी, तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी फ्लोट की थी कि हम आपको ज़मीन देंगे, आप यहाँ पे अपना पावर प्लांट लगाएं। तो इसको लेवल टू बिल्डिंग बोलते हैं। तो इसमें वेदांता कंपनी को ये पावर प्लांट अलॉट हुआ था। तो ये पावर प्लांट जो है 2014-15-16 हमारे यहाँ पे 3 यूनिट है, 660 मेगावाट के 3 यूनिट हैं। तो तीनों प्लांट जो है 2014 से लेके 2016 के बीच में कमीशन हुए हैं और ये प्लांट 1980 मेगावाट पैदा करता है। 1980 मेगावाट का मतलब ये हो गया कि यदि पंजाब का टोटल पावर रिक्वायरमेंट 10,000 मेगावाट है तो करीब 2,000 मेगावाट हम देते हैं। मतलब अच्छा। इस पंजाब का 20% पावर रिक्वायरमेंट हम लोग देते हैं। तो ये हमारा एक नंबर यूनिट है। एक नंबर यूनिट का हमें दिख रहा है कि हम कितना पावर बना रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है और जो मशीन्स हैं, मशीन्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उसके पैरामीटर क्या हैं। ये जो बड़ी स्क्रीन है, ये बड़ी स्क्रीन पे बड़े डिटेल्स मिलते हैं, जो मोटा मोटी डिटेल्स देते हैं। ये जो छोटे सिस्टम्स हैं इस प्लांट को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके पीछे में पूरा DCS नेटवर्क है, ये डिजिटली ऑपरेटेड पावर प्लांट है और जो ऑटोमेटिक चलता है, और ये इसका सिस्टम है। ये हमारा जो है ये थर्मल पावर प्लांट है जो कोयले से बिजली पैदा करता है। हमारा कोयले का टाइप है महानदी कोल फील्ड्स के साथ में, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड का एक आर्म है। हमारी जो साल भर की टोटल कोल की जो खरीदी है वो है 7.7 मिलियन टन्स। इसके हिसाब से आप देखेंगे, जो ये गाड़ी देख रहे हैं आप वैगन, ऐसे हमारे यहाँ पर 8 से 10 गाड़ियाँ रोज आती हैं। अच्छा। और ये आगे जाके वैगन टिपलर प्रोसेस है, जहाँ पर एक एक वैगन को पलटी करके कोयले को आगे प्लांट में भेजा जाता है। सर, जैसे आपने बताया कि 8-10 गाड़ियाँ आती है रोज, ये कितने डब्बे होते होंगे उस गाड़ी? एक गाड़ी में 55 डब्बे रहते हैं। अच्छा। एक गाड़ी में 55 वैगन रहते हैं जनरली। आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 500 डब्बे, ये जो आपको एक डब्बा अभी फिलहाल दिख रहा है, ऐसे 500 डब्बे रोज यहाँ पर आते हैं, कोयला लोड होकर आ रहा है, जिससे आगे बिजली जनरेट हो रही है। ये एक प्री वेटिंग प्रोसेस है, जिससे कोयला थोड़ा गीला हो जाए, उड़े नहीं, डस्ट नहीं उड़े, तो डस्ट सेपरेशन का काम करता है। कोयला बेल्ट के थ्रू यहाँ जो हमारा कोल स्टॉक यार्ड है यहाँ पे आता है। हमारे 4 यार्ड हैं बगल बगल में। अच्छा। ये हमारा 1 महीने का स्टॉक है। अच्छा। तो ये हम लोग यहाँ पे स्टॉकिंग करते हैं। अच्छा। उसके बाद में जैसे जैसे प्लांट में रिक्वायरमेंट रहता है, यहाँ पे हमारे पास में स्टेकर रिक्लेमर रहते हैं। अच्छा। जो इस कोयले को फिर आगे बेल्ट पे डाल के अंदर बॉयलर तक पहुँचाते हैं। अच्छा सर, ये पूरी कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है जिसके थ्रू? एग्जैक्टली। अच्छा, तो वहाँ से आता है और ये सारा ऑटोमेटिक ही है, ये बेल्ट के थ्रू? ये पूरा ऑटोमेटिक है, ये कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता है। कंट्रोल रूम से ऑपरेट हो रहा है। अच्छा सर, ये अब जैसे इतना सारा कोयला यहाँ पर पड़ा है तो इसकी वजह से तो धूल मिट्टी खूब रहती होगी? नहीं, ये कोयला जो है ये डस्ट सेपरेशन के थ्रू आता है। अच्छा। और इसके ऊपर डस्ट सेपरेशन लगता रहता है, ये डस्ट सेपरेशन के लिए लगे हुए हैं इस पे। अच्छा। ये आप जो वाटर मॉनिटर्स देख रहे हैं, ये डस्ट सेपरेशन के लिए लगे हुए हैं।
ये जो थर्मल पावर प्लांट है इसका जो मेन रिसोर्स है वो वाटर है, क्योंकि वाटर से स्टीम बनता है और स्टीम से ही आप एनर्जी यूज़ कर पाते हैं। तो हमारा ये जो रिजर्वायर है इससे पानी हमारे दो प्रोसेसेस में जाता है। जो मेन प्रोसेस है इस पानी का, पहले हम लोग डीमिनरलाइजेशन करते हैं, इस पानी को क्लीन करते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पे डीएम प्लांट और आरओ प्लांट लगे हैं। तो पानी का क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। ये पानी फिर हमारे बॉयलर्स में जाता है जहाँ पे कोल आता है एज अ फ्यूल। कोल जलने के बाद जो एनर्जी पैदा होती है वो इस पानी को स्टीम में कन्वर्ट करती है। और स्टीम जो है, क्योंकि स्टीम एक फ्लूइड है, वाटर के कंपैरिजन में गैसियस फ्लूइड है, तो उसमें एनर्जी स्टोर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है और प्रेशर भी बहुत रहता है। ये स्टीम फाइनली टर्बाइन में जाता है। जैसे अपने पानी के टर्बाइन होते हैं वैसे ये स्टीम के टर्बाइन होते हैं। स्टीम के टर्बाइन में बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं, ये स्टीम उन ब्लेड्स पे हिट करके इस टर्बाइन को घुमाता है। ये टर्बाइन जब अपनी आरपीएम ले लेता है, स्पीड ले लेता है, तो ये जो टर्बाइन की जो एनर्जी है वो एक जनरेटर से कनेक्टेड रहती है। जैसे अपने पास डायनामो होते हैं या छोटे, तो वैसे एक बड़ा जनरेटर रहता है। वो जनरेटर, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जब कटता है इस टर्बाइन की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम वोल्टेज पर प्रोड्यूस होती है, उसको हम ट्रांसमिट करना होता है क्योंकि हमें गवर्नमेंट को देना है। तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए एनर्जी लॉसेस कम हो, हमारे पास में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो जो हम 24 केवी पे जनरेट कर रहे हैं उसको हम 400 केवी पे ले जाते हैं। ज़्यादा केवी जनरेट करने से एनर्जी ट्रांसमिशन लॉसेस कम होती है। अच्छा। उसके बाद में हमारे यहाँ से चार लाइनें जाती हैं एनर्जी की। हाँ। जो हमारा स्विच यार्ड के थ्रू जो लंबी तारें जा रही है जी, ये हमारे ट्रांसमिशन टावर्स है। इससे ये हम अलग अलग एरियाज पे, सब स्टेशंस पे इस बिजली को देते हैं। जो कोयला वहाँ स्टॉक किया उस कोल को वहाँ से कन्वेयर के थ्रू लेके आए, तो ये जो ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स है ये बंकर्स है। अच्छा। जिसमें कोल स्टोर करते हैं, 8 से 10 घंटे का स्टॉक करने का कैपेसिटी है। ओके। उसके बाद में ये हमारे कोल फीडर से होते हैं, मिल्स में जाती है जहाँ कोल को पाउडर बनाया जाता है। अच्छा। ये कोयला फिर इस रेड वाले क्लासीफायर में आके ये पाइप्स की वजह से ये बॉयलर्स में जाती है। डायरेक्ट कोयले को नहीं जलाया जाता, पाउडर की फॉर्म में कोयले को जलाया जाता। पाउडर फॉर्म में जलाने से कोयले का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हाँ। तो कंप्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होता, ये फायदा। ये हमारे बॉयलर्स हैं। अच्छा। ये बॉयलर हमारे 80 मीटर टॉल बॉयलर्स हैं, जहाँ पे हमारा वाटर जाता है और कोल के साथ कंबशन होने की वजह से वाटर ट्यूब में जाके स्टीम में कन्वर्ट होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टीम की पाइपलाइन है। अच्छा। जो बॉयलर से टोटल स्टीम है इस पाइपलाइन के थ्रू टरबाइन में जा रहा है। हाँ। ये स्टीम का टेम्परेचर 570 डिग्री और इसका प्रेशर करीब 250 केजी है। ये स्टीम अभी यहाँ से टरबाइन में जाएगी और फिर टरबाइन को घुमाने का काम करेगी। अच्छा, तो ये जो अभी पूरी चीज है इसके अंदर स्टीम ही स्टीम है, स्टीम कैरियर कह सकते हैं अगर आम भाषा में, स्टीम यहाँ से जा रही है। और इसके अंदर हीट रहती होगी खूब सर? इसके अंदर 570 डिग्री, 570 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हाथ लगाने पर लग रहा है ये 45-50 या इससे ज्यादा तो शायद नहीं लग रहा। इसके ऊपर इंसुलेशन का लेयर इसलिए दिया जाता है कि आपका टेम्परेचर का और एफिशिएंसी का लॉस ना हो, आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे। टरबाइन तक जाते हुए ठंडा हो गया तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। हम टॉप मोस्ट फ्लोर पर खड़े हैं और ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने जो ऊपर से टांगा गया है, हैंग किया गया है, ये बॉयलर ही है जो हमने आपको नीचे फोर्थ फ्लोर पर दिखाया था कि बॉयलर है वहाँ पर, कैसे जो स्टीम बनाई जा रही है, कोयला, गर्म कोयला जब पानी की ट्यूब्स पर पड़ रहा है स्टीम जनरेट हो रही है, वो इसी बॉयलर में हो रही है। इसको ऊपर से ही हैंग किया गया है, नीचे इसका बेस नहीं है, ऐसा क्यों है हम यहाँ पर सर से जानते हैं? ये बॉयलर जो है इसमें स्टीम कन्वर्ट होता है, पानी से स्टीम बनता है, काफ़ी हीट इसमें प्रोड्यूस होती है, तो ये बॉयलर ऊपर से इसलिए लटकाया जाता है कि जब बॉयलर में हीट कन्वर्जन होता है या हीट पैदा होता है तो ये बॉयलर एक्सपांड करता है। ये बॉयलर की जितनी हम दीवारें देख रहे हैं, चारों दीवार बेसिकली वाटर वाल है जिसके अंदर में ट्यूब्स हैं, वो ट्यूब्स में से स्टीम जा रहा है। तो ये बॉयलर का एक्सपांशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है, इसलिए इस बॉयलर को लटकाया जाता है, इसलिए इसकी हाइट भी ज़्यादा होती है। अच्छा, तो हम मोटा मोटी ये मान लें कि जो दीवार हमें दिख रही है ट्यूब्स की ही दीवार है। ये ट्यूब्स की दीवार है जिसके अंदर में स्टीम जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर वो पूरा प्रोसेस जो है, इसके बाद क्या होता है सर यहाँ पर जब वो पूरी स्टीम जनरेट हो गई है? स्टीम जनरेट होने से वो किस तरफ को जा रही है? वो हम नीचे एक पाइप तो देख ली, लेकिन वो जो घूमने वाली मशीन है वो कहाँ लगी हुई है? एक्चुअली बॉयलर में स्टीम बनने के बाद में
अंदर में एक सुपर हीटर कॉइल होती है जिसमें हाँ। उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। अच्छा। उसका टेम्परेचर 570 डिग्री ले जाया जाता है। उसके बाद पाइप के थ्रू ये स्टीम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टरबाइन में। हाँ। हम नीचे जाएंगे और टरबाइन फ्लोर पे जाके टरबाइन देखेंगे। हाँ। जिस टरबाइन में ये टरबाइन को घुमाता है और फिर जनरेटर में इलेक्ट्रिक इम्पल्स से करंट पैदा करता है। मेरी एक और रुचि इस चीज़ में है कि हम ये जो सामने देख रहे हैं, कोई भी प्लांट देखते हैं, ये ज़रूर उसकी पहचान होती है, बिजली बन रही है वहाँ पर तो ज़रूरी होता है। मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या है? इसको नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोलते हैं। okay. इसका बेसिक पर्पस क्या है, जो स्टीम हमने अभी टरबाइन में दे दी, हाँ. टरबाइन को घुमाने के बाद जो स्टीम बच गई, हाँ. उस स्टीम को एक कंडेंसर में डाला जाता है ताकि उस पानी को रीयूज कर सके बॉयलर में। अच्छा। तो उसको जब कंडेंसर में डालते हैं, उसको ठंडा करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है। हाँ. वो पानी हम जो पीछे रिजर्वायर देख रहे हैं, रिजर्वायर से लिया जाता है जी. वो पानी जब स्टीम को ठंडा कर देता है तो पानी में हीट रह जाती है। वो पानी वापस इस कूलिंग टावर में जाता है। कूलिंग टावर में पानी ऊपर से फॉल करता है, उसका सर्फेस एरिया बढ़ा दिया जाता है। अंदर में पीवीसी की फिल्स रहती है। हाँ। जिसके थ्रू उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। हाँ। तो वो पानी जब ऊपर से क्रॉस करता है तो नीचे से एयर पास करती है। हाँ। वो एयर इस पानी को ठंडा करके थोड़ा एवोपोरेट करते हुए पानी को ले जाके टॉप से निकलती है। तो कूलिंग टावर का मेन फंडा ये है कि पानी को ठंडा करे ताकि मैक्सिमम जो हमारा स्टीम है हाँ। उसको ठंडा करके रीयूज कर सके बॉयलर। ये हमारे टर्बाइन्स हैं। हमारे पास में चार टर्बाइन है, एक HP, एक IP हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर के दो टर्बाइन है। ये टर्बाइन सारे टर्बाइन मिलके राइट साइड में हमारा जनरेटर है, जनरेटर को घुमाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से जनरेटर में जनरेट होती है, फिर यहाँ से हम उसे ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करने का मतलब है उसका वोल्टेज बढ़ाते हैं, उसके बाद में हम उसको स्विच यार्ड भेजते हैं, स्विच यार्ड से फिर ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद जो बिजली है वो डायरेक्ट बाहर जा रही है? इसके बाद जो बिजली है डायरेक्टली हमारे ट्रांसफार्मर से होके स्विच यार्ड में जाती है। स्विच यार्ड से फिर ही हमारे ग्रिड से कनेक्टेड है। अच्छा। और इससे हम जो है पंजाब गवर्नमेंट की ग्रिड को पावर सप्लाई देते हैं, चार अलग अलग पॉइंट। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ये 400 KV पे जा रही है। हमारे घर पे जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट पे आती है या 440 पे आती है। थ्री फेज 440 पे आती है और सिंगल फेज 220 पे आती है। ये 400 KV पे ये बिजली जाती है। यहाँ से हम यहाँ से चार सबस्टेशन में भेजते हैं पंजाब के अलग अलग जगह पे। एक जाता है हमारा मुक्तसर में, एक धूरी में जाता है, एक नकोदर में जाता है और एक मोगा जाता है। तो ये चार जगह में हम यहाँ से बिजली भेजते हैं जहाँ से पंजाब के हर इलाके में बिजली पहुँच सके। आपके घरों में बिजली पहुँचती है, आपके लाइट चलते, AC चलते, फ़ोन चलते। सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को भी समझ आ जाएगा कि जो शायद इतना आसान लगता है कि बटन दबाया और वहाँ पंखा जल जाता है और कई बार वो बटन दबाओ बिजली नहीं आती, कहते बिजली नहीं आई और फिर उसके लिए हम अपने इलाके के JEFDO किसी को भी फ़ोन करते हैं, तो वो बिजली आने का जो प्रोसेस है वो जो FDO भी शायद कहीं से अरेंज करते होंगे पीछे, वो यहाँ से बनकर आ रही है, ये पूरा प्रोसेस है। तब आपको मतलब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की करी, अच्छी बात है कि बटन दबता है और हमारे सब काम होने लग जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दी ललन टॉप आगे भी ऐसे ही प्रयोग करता रहेगा जहाँ चीज़ों को सिंप्लीफाई करके और उधर ही जहाँ पर वो चीज़ें बन रही है वहाँ पर आपको जाकर दिखाता रहे कि वह कैसे बन रही हैं। मेरा नाम रजत है और कैमरे के पीछे रूहानी है। इस वक्त हम तलवंडी साबो थर्मल पावर प्लांट में हैं। शुक्रिया।